Hello everyone, good morning. Today we will learn subject English from standard 5th English medium, okay? जिसमें हमने last video lecture में story पढ़ी थी Rip Van Winkle. उसके बाद की जो other activities जो थोड़ी थी वो हमने उस video lecture में देखी थी. आज हम उसके बाद की जो थोड़ी other activities है आज हम इस video lecture में पढ़ने वाले हैं. So let's start vocabulary building. उसमें देखने पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मैंसन इन द स्टोरी. सो यहाँ पे इस बॉक्स में थोड़े से गेम्स के नेम दिए गए हैं लाइक फ्लाइंग काइस, चेस, नाइन पिंस, शूटिंग मार्बल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, शूटिंग, स्कीपिंग एंड होपिंग. ये सारी जो नेम है वो गेम्स के नेम है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो स्टोरी हमने देखी थी रिप वैन विंकल, ओके, उसमें से ये सारी जो गेम है, एक कौन सी ऐसी गेम है जो स्टोरी में बताई गई है, वो सारी अगर जो गेम है उसको हमें यहाँ पे लिखना है जो स्टोरी में बताई गई है. सो यहाँ पे फर्स्ट है फ्लाइंग काइट्स, ओके. जो फ्लाइंग काइट्स है वह जो फ्लाइंग काइट्स है उसके बारे में स्टोरी में कोई मेंशन किया गया है. सो हाँ, जो रिप वैन विंकल था वो बच्चों को काइट्स कैसे फ्लाइंग करने है वो टीच करता था, सिखाता था. सो ये जो फ्लाइंग काइट्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद है चेस. क्या रिप वैन विंकल जो स्टोरी है उसमें चेस के बारे में कुछ बताया गया है? तो नहीं बताया गया, इसलिए चेस हमने लिखेंगे. उसके बाद है नाइन पिंस, ओके. सो रिप वैन विंकल स्टोरी में नाइन पिंस जो गेम है उसके बारे में बताया गया है. सो हाँ, जो जो छोटे छोटे जो मेंस थे बराबर, वो लोग नाइन पिन खेल रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम नाइन पिन भी लिखेंगे. उसके बाद है शूटिंग मार्बल्स. तो मार्बल्स कैसे खेलते हैं वो भी उनको बच्चों को सिखाता रिप वैन विंकल, यहाँ पे शूटिंग मार्बल्स भी हम लिखेंगे. उसके बाद है माउंटेन क्लाइंबिंग. तो हाँ, वो माउंटेन क्लाइंबिंग भी करता था. सो यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग भी हम लिखेंगे. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश. उसके बाद है समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन. एवरीबडी लाइक्ड हिम. हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड, यूज देम टू कम्प्लीट द गिवन पैराग्राफ. सो यहाँ पे एक दो सेंटेंस जो दो जो वर्ड है उनको मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है लाइक गुड नेचर, ओके, किसी बात को डिस्क्राइब करने के लिए. सो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे और नीचे पैराग्राफ भी दिया गया है, उसे फिनिश करने के लिए इस वर्ड को हमें उस यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है वहाँ पे फिलअप करना है. यहाँ पे फर्स्ट है लॉन्ग स्लीव्ड, उसके बाद है हाई हील्ड, उसके बाद है वेल ड्रेस्ड, ओपन माउथ, स्वीट लुकिंग, ओल्ड लुकिंग एंड पार्ट टाइम. यहाँ पे फर्स्ट है मिसिस दास हैज़ अ डैश जॉब इन अ क्लोथ्स. तो मिसिस दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ्स. मिसिस जो दास थी उनकी पार्ट टाइम जो जॉब थी वो क्लोथ्स की थी, कपड़े की थी, कपड़े के शॉप में थी. यस्टरडे एंड ओल्ड लुकिंग वुमन वॉक्ड इन टू द शॉप. शी वेयरिंग हाई हील शूज. यहाँ पे हम लिखेंगे हाई हील शूज. यहाँ पे ये सारे वर्ड दिए ही गई है ऑलरेडी, उसमें से हमें इस जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें फिलअप करना है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेल ड्रेस. यस्टरडे एक ओल्ड वुमन आई थी जिसने हाई हील पहनी थी. अ स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विथ हर. और एक उसके साथ एक डॉग भी था, वो बहुत ही स्वीट लुकिंग सा था. आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज सी सेड. तो यहाँ पे लॉन्ग स्लीव जो है यहाँ पे उसके बारे में यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है लॉन्ग स्लीव, ओके. तो वो अपने डॉग के लिए लॉन्ग स्लीव का जो शर्ट है वो परचेज करने के लिए आई थी. फॉर योर डॉग आस्क मिसिस दास. तो मिसिस दास कहते हैं कि जो मिसिस दास है वो कहती है कि फॉर योर डॉग, आपके कुत्ते के लिए, आपके डॉग के लिए, ओपन माउथ इन सरप्राइज्ड. तो वो अपने मुंह, उनका जो मुंह है वो खुला ही रह जाता है और एकदम सरप्राइज होकर कहती है कि आपके डॉग के लिए. रिप्लाइड द वुमन, आई वॉन्ट टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी. तो वो जो आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस फॉर माई नेक्स्ट पार्टी. वो जो वुमन है वो कहती है कि मेरी जो नेक्स्ट पार्टी है उसको मैं अच्छे से कपड़े में वेल ड्रेस उसको रखना चाहती हूँ, ओके. सो यहाँ पे हमारे जो ब्लैंक्स थी वो फिनिश हो गए. उसके बाद है साइलेंट लेटर्स. यहाँ पे
व्हाट इज़ द कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे हमें साइलेंस जो लेटर है उनको ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है. तो फर्स्ट है नी, नाइफ, नॉट एंड नो. तो यहाँ पे जो के है वो साइलेंट है, ओके. सो यहाँ पे हम लिखेंगे के इज साइलेंट. उसके बाद है नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट. यहाँ पे जो जी एच है, यार सारे स्पेलिंग में जो जी एच है वो साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे जी एच इज साइलेंट. उसके बाद है ऑनेस्ट, ऑनर, अवर एंड एच. तो यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एच इज साइलेंट. उसके बाद है ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड. यहाँ पे हमें यहाँ पे नेट, फर्स्ट यहाँ पे देखा है नेट जिसमें जी साइलेंट है, वैसे ही हमें दूसरे से वर्ड लिखने हैं जो जिसका फर्स्ट जो लेटर जी हो वो साइलेंट हो और सिमिलर भी हो. तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेश ऑन ने, नेश ऑन ने. उसके बाद है टंग, तो वंग एंड मग. उसके बाद है चॉप, तो टॉक एंड वॉक. उसके बाद है विसल, तो बसल एंड हसल. तो यहाँ पे टी साइलेंट था, चॉक में एल साइलेंट था, टंग में जी और यू साइलेंट था, और यहाँ पे फर्स्ट में जी साइलेंट था. उसके बाद यहाँ पे रीड द टू पैराग्राफ्स गिवन बिलो, यहाँ पे पैराग्राफ दे गए दो वो हमें पढ़ने हैं. माय मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली. जो मेरी मदर है वो हमेशा जल्दी उठ जाती है बाकी सारे जो मेम्बर हैं उनके उठने से पहले. आई यूजुअली वेक अप आफ्टर 6 o'clock, और मैं यूजुअली 6 o'clock के मीन्स के 6 बजने के बाद ही उठती हूँ. आई लॉल अराउंड लेजिली फॉर अ फ्यू मिनट, और मैं थोड़ी देर के लिए तो लेजिली बनकर सोई पड़ी रहती हूँ. देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस फॉर अ स्कूल, और मैं फिर स्कूल के लिए रेडी होती हूँ. एट बेड टाइम आई रीड द स्टोरी बुक. वैन आई फील टायर्ड आई ले डाउन गो टू स्लीप वेरी क्विकली. आई फॉल अ स्लीप इन नो टाइम एट ऑल. Now find the opposite of the following words from the paragraph and complete the table. यहाँ पे हमें अभी हमने जो यहाँ पे जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें से हमें जो opposite word है वो यहाँ पे हम लिखने हैं. यहाँ पे awake, तो awake का मीनिंग होता है उठना, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे asleep. यहाँ पे लिखा हुआ मतलब सोना, ओके, जिसका opposite होता है awake का. उसके बाद है wake up, wake up means होता है उठना, जगना, और यहाँ पे go to sleep मतलब सोने जाना. उसके बाद है get up, ओके. सो यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा लाइक सॉरी ले डाउन. उसके बाद है लेजीली, तो बहुत ही आलसी सा, और जो क्विकली बहुत ही जल्दी से, ओके. सो ये हमारे जो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स थे वो फिनिश हो गए. सो आज हमने रिप एंड विंकल की जो अदर एक्टिविटीज़ थी आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी, ओके. अभी थोड़ी और बाकी है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ओके.